अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोमियो जालब DMH न्यूज़ तो तुहानू सलाम पेश करदा है। नाज़रीन, मैं तुहानू वक्री वक्री चीज़ां विखांदा रहना है लाहौर दियाँ, और तारीखी चीज़ां वह भी विखाना है जो अज तक किसी मीडिया ने नहीं विखाइया होनगियाँ, ना दस्या होगा आने वाली नस्ल वास्ते, क्योंकि यह बड़िया इंपोर्टेंट चीज़ा है जड़ियाँ तुहानू मैं विखाण लगा अज, क्योंकि साडे बोर्ड थले बाबे भी जड़े है और पुराने बाबे जो पुराने लोग ने इन चीज़ों वेख के बड़े खुश होंगे ने। हूँ मेरा कैमरामैन बलाल तुहानू विखाएगा सिमन मनार, जिन्हों असी कहने इतने सलामी सरबराई कॉन्फ्रेंस हुई सी, ये शाकार है, यदा मीनार है, इस जगह से सामने असम्बली हाल है, इतने सरबराई कॉन्फ्रेंस हुई सी, वह भी जुल्फकार अली भुट्टो ने करवाई सी, जेद इस्लामी मुल्क के सारे सरबरा आए थे, शाह फैसल आया सीगा, यासर अफाद आया सीगा, दुनिया का इस्लामी मुल्क का कोई बंदा ऐसा नहीं सी जिहड़ा ना आया होवे। हुण वेखो इहनू तारा वजो आया है, इहनू लोकी बाहर खलोते ने, कहनू यह तारीखी चीज़ा विखाणी चाहिए, गोरमेंट नू यह दसना चाहिए कि इत्थे इस्लामी सरबराई कॉन्फ्रेंस होई सी, पहली सरबराई कॉन्फ्रेंस जो भुट्टो ने कराई सी, उहदे विच सारे आए सी और सारा ने रजामंदी की सी, जिहदे विच बड़े बड़े फैसले किए गए सीगे, और ऐसे ऐसे फैसले किए गए सीगे कि अमरीका भी डर गया सीगा। ते असी हुण लोकां को पुछदे हैं वह की कहिंदे ने। की नाम तुहाडा? उस्मान मुनव्वर। उस्मान मुनव्वर साहब, यह तुसीं माशाला सरबराई कॉन्फ्रेंस हुई सी इत्थे जो भुट्टो ने कराई सी, तुसीं उहदे मीनार दे कोल खलोते हो, हुण तुसीं भी मेरे ख्याल किहड़े शहर तो आए हो? लईया तो। यह लईया तो आए ने, हुण तुहाडी भी बड़ी ख्वाहिश होएगी असीं इहनूं अंदर जाके वेखीए, इत्थे इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई सी, उहदे विच चीज़ां भी पईआं होईआं, अजायब घर दीआं मतलब चीज़ां रखीआं होईआं, कि इत्थे इह चीज़ां होईआं सीगीआं, ते तुसीं की कहोगे इहदे बारे च, इहनूं खोलना चाहीदा, गोरमेंट नूं की दसोगे? ये साढ़े इस्लाफ की निशानी है, ये इस चीज़ को रिप्रजेंट करता है कि असी एक दफ़ा अगर पूरी उम्मत नूं इकट्ठा किया, असी लोगों जोड़िया, असी उम्मत मुसलमान इकट्ठा किया, असी दोबारा ये कर सकते हैं, असी इस दुनिया से लीड कर सकते हैं। इस्लाम का सिक्का राइज करन वास्ते ये जरूरी है कि इनू खोलिया जाए, एक दफ़ा दोबारा लोगों इकट्ठा करके एक कॉन्फ्रेंस करवाई जाए, यह साढ़े इस्लाफ की जिस तरह निशानी है, ये साडा अजम नूं दोबारा जिंदा कर दिए, ते लोग इत्थे आने वाले लोगों नूं नस्ल नूं पता होना चाहिए। बिल्कुल, ये लोगों से मोटिवेशन पैदा करेगी, जिवें हुण असीं आए हाँ, ये अग्गों बंद है, असीं इहनूं देखण वास्ते आए हाँ, लोग आणगे, इहदे अंदर लाइब्रेरी है, वह पढ़नगे, कोई चीज़ां सीखणगे, अपने इस्लाफ दी निशानी देखणगे, लोगों नूं फायदा होएगा, लोगों से एक जज्बा उभरेगा, यानी कि यह चीज़ां होनिया चाहिए ने। की नाम तुहाडा भाई? भाई बुरहान। बुरहान साहब, तुसीं भी ये मीनार नूं वेखण आए हो, इत्थे सरबराई कॉन्फ्रेंस हुई सी भुट्टो ने, कि सारे सरबराह फैसल भी आए थी, सारे आए थे, तो ताला वजे, तुसीं भी नहीं अंदर जा, की कहो कि गवर्नमेंट पंजाब नूं? मैं गवर्नमेंट नूं यही कहना चाहेंगा कि ताला खलान, आने वाले मुकामी बंदे नूं, बाहरों आने वाले बंदे इस मुकाम मुकामी जगह नूं देख सकन, उन्हां दे इलम च इजाफा होवे, उस तो बाद साढ़े पाकिस्तान की एक इत्थे मीटिंग हुई है, सारे आए ने, इत्थे साडा पता चलना चाहिए सानूं की ये ताला खुलना चाहिए, असीं अंदर वड़ के देख सकीए की चीज़ है, और ये खुलता रहा ताला, लोग बच्चे आकर देखते रहने, इतने बड़ा कुछ प्रोग्राम कराते रहे ने, लेकिन यह क्यों बंद किया? यह कोई सियासी काम है? सियासी नहीं होना चाहिए, इनू खोलना चाहिए ताकि आने वाली नसल इनू वेखे। ये फैसलाबाद तो आए हैं, दूसरे भाइयों लईए तो आए हैं, कि शहरों तो लोग आते हैं तो मायूस होकर वापस चले जाते हैं, हम असं दूसरे भाइयों को पूछ दो की कहते हैं। लोन नाजरीन, असं तुम्हें विखाया ये सिमन मनार, जिनू असी शाह जी इस्लामी सरबराई कॉन्फ्रेंस हुई सी, हवाले ना एक तुम्हें निशानी दसी है, जोड़ा ताला वजा है, बंद पे है, लोग अंदर जा नहीं सकते, वेख नहीं सकते, इस निशानी को खुलाया जाए। ये पहली बारी ये मीडिया के उत्ते विखा रहे, अज तक किसी मीडिया ने इनू छेड़िया नहीं, क्योंकि ये विखाना चाहिए सीगा कि साड़ी पूरी दुनिया च सरबराई कॉन्फ्रेंस इको ही होई है, और जुल्फकार अली भुट्टो ने करवाई सी, जिहदे च बादशाह पूरी दुनिया के जिहड़े असी सरबराह आए सी, ते उन्होंने बड़ी वड्डी कॉन्फ्रेंस की सी, ते भुट्टो ने वह निशानी इत्थे तमीर करवाई सी, ते मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को अपील हैगी है कि इनू खुलाया जाए, लोगों को विखाया जाए, ये चीज़ा वेखणगे, लोगों को शोर पैदा होएगा, उन्होंने जज्बा पैदा होएगा, साढ़े इस्लामी मुल्कों के बारे अंदर जी किताब लिखी है, वो बादशाह के तासुरात लिखे ने, जो किताब के उन्होंने दक्षत किए ने, वह भी विखाया जाएगा, तो यहोजी चीज़ा तुम विखाते रहेंगे। भुलना नहीं DMH न्यूज़ में, तो रोमियो जालम इतों इजाजत दो, खुदा हाफिज़।